केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री का बड़ा ऐलान, अगले एक साल में सभी टोल प्लाजा खत्म करने की योजना बना रही है सरकार। हाईवे पर टोल प्लाजा के स्थान पर लगेंगे जीपीएस ट्रैकर, आने वाले समय में उतना टैक्स चुकाना होगा जितना वो सड़क पर चले। इंदौर का एम्स अस्पताल फिर आया सुर्खियों में, मुर्दा घर के कर्मचारी युवकियों के साथ पकड़ाए शव, आए रखने, परिजनों ने किया मामले का खुलासा। एम्स अस्पताल को नहीं मामले का संज्ञान, सोशल मीडिया पर फोटो वायरल होने से मचा हड़कंप। रायसेन में करनी सेना कार्यकर्ताओं का धरना समाप्त, हत्या के आरोपी पर एसपी ने किया 5,000 रुपए का इनाम। हत्या के आरोपी को पकड़ने के लिए किया जा रहा था प्रदर्शन, कलेक्टर एसपी के आश्वासन पर माने करनी सेना के कार्यकर्ता। करनी सेना जिला अध्यक्ष शिवराज सिंह राजपूत की हुई थी हत्या। मध्य प्रदेश में बेकाबू हुई कोरोना महामारी, एक दिन में 832 नए कोरोना मरीज आए सामने, कोरोना संक्रमण से 2 लोगों की मौत। इंदौर में कोरोना के 294 नए मरीज से मचा हड़कंप, सख्ती के लिए नगर निगम की टीम उतरी सड़क पर, कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर दुकानों को किया सील। कटनी में मूलभूत सुविधाओं के लिए फूटा वार्ड क्रमांक 37 के रहवासियों का गुस्सा, कांग्रेस के नेतृत्व में निगम आयुक्त को चूड़ियां भेंट कर सड़क पर किया चक्का जाम। नगर निगम आयुक्त से बदसलूकी के खिलाफ निगम कर्मियों ने खोला मोर्चा, कार्रवाई की मांग को लेकर धरने पर बैठे निगम कर्मचारी।